brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए युवक कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। युवा इकाई जो रहती है वो हमेशा किसी भी दल की हो वो चुनाव प्रचार में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया आज हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव चरम सीमा पर अब पहुँच रहे हैं, वो उनसे जानेंगे कि युवक कांग्रेस की भूमिका क्या है। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, युवक कांग्रेस की क्या रणनीति है इस मामले में? देखिए, युवा 60-70% जो मतदाता है वो युवा है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमने काम करे हैं और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस की गारंटी है, ये घर घर तक पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा इसमें लक्ष्य है। और जो हर बूथ पर हमारी युवाओं की एक फौज तैयार करना, हर बूथ पर हमारे 5 से 10 लड़के तैयार करना, ताकि वो घर घर जाकर जो डोर टू डोर कैंपेन होता है उसके माध्यम से जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो काम हैं, हम जो करने वाले हैं, जैसे 1 लाख रुपये हर महिला को 1 साल में देने का, युवाओं को जैसे ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उनको रोज़गार देने का, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का, उनका कर्ज़ा माफ़ करने का, तो इन सब योजनाओं को लेकर हम घर घर तक जाएंगे और जो कांग्रेस का विजन है वो मतदाता तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। युवा कांग्रेस आपने बताया ये सब करेगी, लेकिन देखने में आया है कि इस चुनाव में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर हैं, जैसे कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी, अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में बंद गए हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश को में जा नहीं पा रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, बड़े चेहरे चुनाव में लाने का उद्देश्य ये था ताकि एक ज़बरदस्त माहौल बने, एक ज़बरदस्त फाइट हो जो जीत कराएं। क्योंकि देखिए, अगर हमको चुनाव जीतना है तो हमें सबसे पहले सीटें निकालना पड़ेंगी, और दिल्ली के स्तर पर और जो पूरे नेशनल सिनेरियो है जिस तरह से दिख रहा है, हर एक सीट महत्वपूर्ण है। बीजेपी बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है कि 400 पार, पर 200 पार भी सीटें उनकी नहीं हो रही हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डाला जा रहा है, ये बीजेपी की बौखलाहट दर्शा रहा है। और हम लोग इसलिए एक भी सीट कोई कमज़ोर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए बड़े चेहरों को उतारा गया है। और निश्चित तौर पर जैसे ही उनका चुनाव खत्म होगा, वो दूसरे जो, क्योंकि चुनाव मध्य प्रदेश की हम बात करें 4 चरण में है, और पूरे देश की बात करें तो 7 चरणों में चुनाव है, तो जैसे ही उनका चुनाव खत्म होगा बाकी सीटों पर उनको उतारा जाएगा, ताकि जो ताकत वरिष्ठ नेताओं की हमको हर सीट पर चाहिए वो हमको मिले। आपने कहा कि बीजेपी 200 पार भी नहीं होगी, तो कांग्रेस का क्या, कितना सीटें ले आएगी कांग्रेस, क्या आकलन है आपका? देखिए, कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में है, और जो इंडिया गठबंधन है ये बड़ी तादाद में सीटें आने वाली है। अगर कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की सीटें 150 पार जाना चाहिए। जो हमारी तैयारियां हैं इससे साफ लगता है कि इस बार अच्छी संख्या में कांग्रेस की सीटें आएंगी, और जो गठबंधन है वो भी बड़ी तादाद में सीटें लेकर आएगा। अपन रतलाम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर चूंकि आपके पिताजी कांतिलाल जी भूरिया पहले सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं, मध्यप्रदेश कांग्रेस के, इस बार क्या मुकाबला लग रहा है? अनिता नागर सिंह चौहान कितना संघर्ष कराएगी आपको? देखिए, चुनाव हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है, और ये संविधान को बचाने का चुनाव है। क्योंकि सबको मालूम है कि बीजेपी को 400 पार सीटें क्यों चाहिए, ताकि संविधान में परिवर्तन कर सकें, और हम लोग ये होने नहीं देंगे। और पूरी जनता और आम आदमी मिलकर, क्योंकि महंगाई से सब लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार से सब लोग परेशान हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में क्या हुआ हम सब ने देखा कि जिस तरह से भाजपा ने चंदा ले लेकर लोगों की जान को खतरे में डाला है। कोरोना में क्या हुआ, कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले सबको पहले उस कंपनी से चंदा लिया गया, उसके बाद उस कंपनी को झोंक दिया गया, आप सबको पूरे देश में आप वैक्सीनेशन करें। जिस वैक्सीनेशन से, जिस कंपनी से मोदी जी ने और भाजपा ने चंदा लिया है, क्या मोदी जी ने वो टीका लगाया? उन्होंने तो यहाँ का नहीं लगाया होगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बाहर का टीका लगाया होगा उनने। और ये रेमडेसिविर ड्रग्स के साथ भी हुआ, जो रेमडेसिविर ड्रग्स सबको दी गई उसको अप्रूवल के लिए खुद उनका जो टेस्ट था वो फेल हो गया, उसके बाद उसको अप्रूव कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ चंदे के दम पर लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम भाजपा ने करा, और ये सब लोग देख रहे हैं, और इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब चुनाव में देने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में आदिवासी भारत पार्टी जो आई है, बाप पार्टी, ये इस बार चुनाव मैदान में आई है वापस, और आपके संसदीय क्षेत्र में जो है सैलाना में उनका विधायक भी है, कितना प्रभाव डालेगी, किसको नुकसान पहुँचाएगी, क्या कांग्रेस को वो नुकसान पहुँचाएगी? देखिए, इस बार पूरा विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ रहा है,
हर एक व्यक्ति जो संविधान को बचाना चाहता है, देश को बचाना चाहता है, भाई भाई के भाईचारे को बचाना चाहता है, वो पूरी ताकत से साथ आएंगे। और इंडिया गठबंधन वही है और सब लोग हम साथ आएंगे। अभी जो बाप पार्टी है उसके उससे बांसवाड़ा में गठबंधन हुआ है और यहाँ भी हम लोग साथ में आकर चुनाव लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा को हराना सबसे बड़ा उद्देश्य है हम सबका। ये थे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। इनका यह कहना है कि मध्य प्रदेश में जब भी बड़े जो नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जब भी फ्री होंगे तो मध्य प्रदेश में सक्रिय होंगे और पूरी ताकत के साथ वो बीजेपी को हराएंगे। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।